जय श्री राम दोस्तों, एसएससी मैथ कोचिंग में आपका स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में आइडियम सेंड करने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक करें। तो चलते दोस्तों, पहला क्वेश्चन है टू टिप द ऑफिस टॉय। टू टिप द ऑफिस टॉय मीन्स क्या होता, क्लर्क को घूस देना। क्या होता तो क्लर्क को घूस देना, तो इसका आइडियम सेंड क्या हो जाएगा, टू वाइल कनोकर। जितने सारे ऑप्शन में दिए हैं वो सारे क्या है तो आइडियम्स एंड फ्रेज हैं। टू आइल कनोकर मीन्स क्या होता है तो क्लर्क को घूस देना। अब ऑप्शन नंबर बी का आइडियम्स एंड फ्रेज क्या है, टू कट द क्रेकर। टू कट द क्रेकर मीन्स क्या होता है, वार्तालाप बंद करना या शुरू करना। वार्ता लाप बंद करना या शुरू करना, तो इसका क्या हो जाएगा, टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट। ऑप्शन नंबर सी का आइडियम्स एंड फ्रेज है क्या, टू टेक समबडी फॉर ए राइड मींस धोखा देना या अपमानित करना। धोखा देना या अपमानित करना, तो इसका क्या हो जाएगा, टू डिसीव और ह्यूमिलेटेड हिम मींस धोखा देना या अपमानित करना। ऑप्शन नंबर डी का आइडियम्स एंड फ्रेज है टू कॉल वंस हिल। टू कॉल वंस हिल मींस होता है किसी व्यक्ति के इंतजार में रहना। किसी व्यक्ति के इंतजार में रहना। अब क्वेश्चन नंबर दो की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है टू बी kept waiting for something। To be kept waiting for something means होता है किसी के इंतजार में रहना, तो इसका होगा आइडियम सेंड फ्रेज टू कॉल वंस हाउल, किसी के इंतजार में रहना। ऑप्शन नंबर ए में आइडियम सेंड फ्रेज है टू फॉल्स इरेंड। टू फॉल्स इरेंड मीन्स निरर्थक जानकारी, यूजलेस अंडरटेकिंग। निरर्थक जानकारी, यूजलेस अंडरटेकिंग, ए यूजलेस अंडरटेकिंग। ऑप्शन नंबर बी में बाय द रोल ऑफ थंब। बाय द रोल ऑफ थंब मीन्स करवा अनुभव। करवा अनुभव, तो इसका क्या होगा, तो टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विच इज रेदर रफ। ऑप्शन नंबर डी का आइडियम सेंड फ्रेज क्या है, टू पुट समबडी इन हिज प्लेस। टू पुट समबडी इन हिज प्लेस मीन्स उसके सामने नम्र होना। उसके सामने नम्र होना। अब हम आपको वन ऑफ सिचुएशन आगे बता रहे हैं। तो एक क्राइम ऑफ किलिंग डिलीबेटेरली ए होल रेस और ग्रुप ऑफ पीपुल। पूरी जाति या पूरी समुदाय के लोगों को जानबूझकर हत्या करने का अपराध, तो इसका वन वर्ड सिचुएशन क्या हो जाएगा, जीनोसाइड मीन्स जाति नर संहार या जाति संहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 3 टू टॉक अबाउट बिजनेस ऑन प्रोफेशनल अफेयर। टू टॉक अबाउट बिजनेस ऑन प्रोफेशनल अफेयर तो इसका क्या हो जाएगा, तो व्यापार के बारे में बात करना, व्यवसाय के बारे में बात, व्यापार के बारे में बात करना, तो इसका क्या हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टू टॉक शॉप। ऑप्शन नंबर 1 मीन्स टू टॉक शॉप मीन्स व्यापार के बारे में बात करना। ऑप्शन नंबर बी का आइडियम्स एंड फ्रेज है टू कीप वंस हेड एबव वाटर। टू कीप वंस हेड एबव वाटर मीन्स होता है मुश्किल परिस्थिति में भी कर्ज न आने देना, मुश्किल परिस्थिति में कर्ज न आने देना, इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा टू कीप आउट ऑफ डेब्ट। टू कीप आउट ऑफ डेब्ट मीन्स मुश्किल परिस्थिति में कर्ज आने ना देना। ऑप्शन नंबर सी का एडियम्स एंड फ्रेज टू गेट एट इच अदर हैमर एंड टोंग्स मीन्स जोर से बहस करना, इसका क्या हो जाएगा, तो जोर से बहस करना, जोर से बहस करना, तो इसका क्या होगा, तो टू आर्ग्यू नॉइजी मीन्स जोर से बहस करना। ऑप्शन नंबर डी का आइडियम्स एंड फ्रेज टू लीव फास्ट मीन्स होता है जीवन को बर्बादी की ओर ले जाना, जीवन को बर्बादी की ओर ले जाना, बर्बादी की ओर ले जाना, बर्बादी की ओर ले जाना। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या है, तो ऑन रेयर ओकेशन मीन्स दुर्लभ अवसर। ऑन रेयर ओकेशन मीन्स क्या होता है, तो दुर्लभ अवसर, तो इसका होगा वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून मीन्स दुर्लभ अवसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का एडियम्स एंड फ्रेज है टू हिट द जैकपॉट। टू हिट द जैकपॉट मीन्स न आशा करने वाली जीत, न आशा करने वाली जीत, न आशा करने वाली जीत, तो हो जाएगा टू गेट एन अनपेक्टेड विक्टोरी। ऑप्शन नंबर बी का आइडियम्स एंड फ्रेज टू होल्ड समबडी टू रैंसम। पकड़कर फिरौती की मांग करना, किसी को पकड़कर फिरौती की मांग करना, पकड़कर फिरौती का मांग करना, पकड़कर फिरौती का मांग करना। टू कीप कैप्टिव एंड डिमांडिंग कंसेशन। टू कीप कैप्टिव एंड डिमांडिंग कंसेशन। अब हम आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता रहे हैं, तो क्या है, ए क्राइम ऑफ किलिंग योर सेफ डेलीबरेटली मीन्स खुद को जानबूझकर मार लेने का अपराध,
इसका वन वे सिचुएशन क्या हो जाएगा, सुसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है, टू होल्ड ए ब्रीफ फोर मीन्स बचाना। क्या होता है तो बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव है, टू टेल ए सेक्रेट विदाउट इंटेंडिंग टू डू सो मीन्स रहस्य खोलना या भेद खोलना। तो इसका वन वे सिचुएशन क्या हो जाएगा, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ऑप्शन नंबर सी, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स रहस्य खोलना या फिर भेद खोलना। अब ऑप्शन नंबर ए का एडियम्सन फ्रेज है, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मीन्स विवाद खत्म करना। तो इसका क्या होगा विवाद खत्म करना का, तो टू सेटल ए डिस्प्यूट। ऑप्शन नंबर बी का आइडियम सेन प्रेजेंट, ए कॉक एंड बुल अ स्टोरी मीन्स मूर्खता और मन गढ़त कहानी होगा। तो इसका क्या है, तो ए फुलिस एंड कॉनकोक्टेड स्टोरी। ऑप्शन नंबर डी का आइडियम सेंपरेज है, टू बीट द एयर कोशिश बेकार करना। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, तो क्वेश्चन नंबर ए जीनियनली चैरिटेबल पर्सन, सच्चा समाज सेवक व्यक्ति। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, सॉरी इसका आइडियम सेंटेंस फ्रेज हो जाएगा, टू बी ए गुड सैमरिटन। ऑप्शन नंबर ए, टू बी गुड ए सैमरिटन मीन्स सच्चा समाज सेवक व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी का आइडियम सेंटेंस फ्रेज है, टू टेक ए लीफ आउट ऑफ समबडी बुक्स मीन्स उसे लिया नमूना के तरह। तो इसका क्या, टू टेक हिम एज ए मॉडल। ऑप्शन नंबर सी इनका आइडियम सेंटेंस फ्रेज, टू सेट द थीम ऑन फायर मीन्स असंभव कार्य करने के लिए कोशिश करना। तो क्या हो जाएगा, टू ट्राई टू डू द इम्पॉसिबल। ऑप्शन नंबर डी का आइडियम सेंटेंस फ्रेज क्या है, तो टू कास्ट पियरल बिफोर ए स्वाइन, प्रशंसा लायक नहीं होना। लायक नहीं होना
तो क्या हो जाएगा, टू ऑफर समवन ए थिंग विच ही इज नॉट एप्रिसिएट। अब हम आपको वन वन सिचुएशन क्योर लेकर चलते हैं। क्या है तो ए क्राइम ऑफ मैजिंग समबडी व्हेन यू आर स्टिल लीगली मैरिड टू समबडी इल्स। दूसरी शादी करने का अपराध जब पहले से ही एक पत्नी रहते हैं। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, तो बिगैमी मीन्स द्विविवाह अपराध। तो थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम, जय भार्गव परशुराम, जय श्री राम। दोस्तों एसएससी मैथ कोचिंग में आपका स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में आइडियम से करने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक करें। तो चलते दोस्तों, पहला क्वेश्चन है टू टिप द ऑफिस टॉय। टू टिप द ऑफिस टॉय मीन्स क्या होता, क्लर्क को घूस देना। क्या होता तो क्लर्क को घूस देना। तो इसका आइडियम सेंटेंस क्या हो जाएगा, टू वाइल कनोकर। जितने सारे ऑप्शन में दिए हैं वो सारे क्या है तो आइडियम्स एंड फ्रेज है। टू आइल कनोकर मीन्स क्या होता है तो क्लर्क को घूस देना। अब ऑप्शन नंबर बी का आइडियम्स एंड फ्रेज क्या है, टू कट द क्रैकर। टू कट द क्रैकर मीन्स क्या होता है, वार्तालाप बंद करना या शुरू करना। वार्तालाप बंद करना या शुरू करना। तो इसका क्या हो जाएगा, टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट। ऑप्शन नंबर सी का आइडियम्स एंड फ्रेज है क्या, टू टेक समबडी फॉर ए राइड मींस धोखा देना या अपमानित करना। धोखा देना या अपमानित करना। तो इसका क्या हो जाएगा, टू डिसीव और ह्यूमिलेटेड हिम मींस धोखा देना या अपमानित करना। ऑप्शन नंबर डी का आइडियम्स एंड फ्रेज है टू कॉल वंस हिल मींस होता है किसी व्यक्ति के इंतजार में रहना। किसी व्यक्ति के इंतजार में रहना। अब क्वेश्चन नंबर दो क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दो है टू बी केप्ट वेटिंग फॉर समथिंग। टू बी केप्ट वेटिंग फॉर समथिंग मीन्स होता है किसी के इंतजार में रहना। तो इसका होगा आइडियम सेंटेंस फ्रेज टू कॉल वंस हाउल, किसी के इंतजार में रहना। ऑप्शन नंबर ए में आइडियम सेंटेंस फ्रेज है टू फॉल्स इरेंड मीन्स निरर्थक जानकारी, यूजलेस अंडरटेकिंग। निरर्थक जानकारी, यूजलेस अंडरटेकिंग, ए यूजलेस अंडरटेकिंग। ऑप्शन नंबर बी में बाय द रोल ऑफ थंब। बाय द रोल ऑफ थंब मीन्स करवा अनुभव। तो इसका क्या होगा, तो टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विच इज रेदर रफ। ऑप्शन नंबर डी का आइडियम सेंस फ्रेज क्या है, टू पुट समबडी इन हिज प्लेस मीन्स उसके
सामने नम्र होना। अब हम आपको वन ऑफ सिचुएशन आगे बता रहे हैं। तो एक क्राइम ऑफ किलिंग डिलिबेटेरली ए होल रेस और ग्रुप ऑफ पीपुल, पूरी जाति या पूरी समुदाय के लोगों को जानबूझकर हत्या करने का अपराध। तो इसका वन वर्ड सिचुएशन क्या हो जाएगा, जीनोसाइड मीन्स जाति नर संहार या जाति संहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, टू टॉक अबाउट बिजनेस ऑन प्रोफेशनल अफेयर, टू टॉक अबाउट बिजनेस ऑन प्रोफेशनल अफेयर, तो इसका क्या हो जाएगा, तो व्यापार के बारे में बात करना या व्यवसाय के बारे में बात, व्यापार के बारे में बात करना, तो इसका क्या हो जाएगा, वन वर्ड सिचुएशन टू टॉक शॉप, ऑप्शन नंबर 1 मीन्स टू टॉक शॉप मीन्स व्यापार के बारे में बात करना। ऑप्शन नंबर बी का आइडियम्स एंड फ्रेज है टू कीप वंस हेड एबव वाटर, टू कीप वंस हेड एबव वाटर मीन्स होता है मुश्किल परिस्थिति में भी कर्ज न आने देना, मुश्किल परिस्थिति में कर्ज न आने देना, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका होगा टू कीप आउट ऑफ डेब्ट, टू कीप आउट ऑफ डेब्ट मीन्स मुश्किल परिस्थिति में कर्ज आने ना देना। ऑप्शन नंबर सी का आइडियम्स एंड फ्रेज टू गेट एट इच अदर हैमर एंड टोंग्स मीन्स जोर से बहस करना, इसका क्या हो जाएगा, तो जोर से बहस करना, जोर से बहस करना, तो इसका क्या होगा, तो टू आर्ग्यू नॉइजी मीन्स जोर से बहस करना। ऑप्शन नंबर डी का आइडियम्स एंड फ्रेज टू लिव फास्ट मीन्स होता है जीवन को बर्बादी की ओर ले जाना, जीवन को बर्बादी की ओर ले जाना, बर्बादी की ओर ले जाना, बर्बादी की ओर ले जाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, तो ऑन रेयर ओकेशन मीन्स दुर्लभ अवसर, ऑन रेयर ओकेशन मीन्स क्या होता है, तो दुर्लभ अवसर, तो इसका होगा वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून मीन्स दुर्लभ अवसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का एडम्स एंड फ्रेज है टू हिट द जैकपॉट, टू हिट द जैकपॉट मीन्स न आशा करने वाली जीत, न आशा करने वाली जीत, न आशा करने वाली जीत, तो हो जाएगा टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड बोरी, टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड बोरी विक्टोरी, अनएक्सपेक्टेड विक्टोरी। ऑप्शन नंबर बी का आइडियम्स एंड फ्रेज टू होल्ड समबडी टू रैंसम, पकड़कर फिरौती की मांग करना, किसी को पकड़कर फिरौती की मांग करना, पकड़कर
फिरौती का मांग करना, पकड़कर फिरौती का मांग करना, टू कीप कैप्टिव एंड डिमांडिंग कंसेशन, टू कीप कैप्टिव एंड डिमांडिंग कंसेशन। अब हम आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता रहे हैं, तो क्या है, ए क्राइम ऑफ किलिंग योर सेफ डेलीबरेटली मीन्स खुद को जानबूझकर मार लेने का अपराध, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, सुसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फोर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है, टू होल्ड ए ब्रीफ फोर मीन्स बचाना, क्या होता है, तो बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव है, टू टेल ए सीक्रेट विदाउट इंटेंडिंग टू डू सो मीन्स रहस्य खोलना या भेद खोलना, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग ऑप्शन नंबर सी, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स रहस्य खोलना या फिर भेद खोलना। अब ऑप्शन नंबर ए का एडियम्सन फ्रेज है, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मीन्स विवाद खत्म करना तो इसका क्या होगा, विवाद खत्म करना का, तो टू सेटल ए डिस्प्यूट। ऑप्शन नंबर बी का एडियम्स एंड प्रेजेंट, ए कॉक एंड बुल अ स्टोरी मीन्स मूर्खता और मन गढ़त कहानी होगा, तो इसका क्या है, तो ए फुलिस एंड कॉनकोक्टेड स्टोरी। ऑप्शन नंबर डी का आइडियम्स एंड फ्रेज है, टू बीट द एयर कोशिश बेकार करना। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, तो क्वेश्चन नंबर ए जीनियनली चैरिटेबल पर्सन, सच्चा समाज सेवक व्यक्ति इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, सॉरी इसका एडियम्स एंड फ्रेज हो जाएगा, टू बी ए गुड सैमरिटन। ऑप्शन नंबर ए, टू बी गुड ए सैमरिटन मीन्स सच्चा समाज सेवक व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी का एडियम्स एंड फ्रेज है, टू टेक ए लीफ आउट ऑफ समबडी बुक्स मीन्स उसे लिया नमूना के तरह। तो इसका क्या, टू टेक हिम एज ए मॉडल। ऑप्शन नंबर सी का एडियम्स एंड फ्रेज, टू टेक द थीम ऑन फायर मीन्स असंभव कार्य करने के लिए कोशिश करना असंभव कार्य करने के
लिए कोशिश करना। तो क्या हो जाएगा, टू ट्राई टू डू द इम्पॉसिबल, टू ट्राई टू डू द इम्पॉसिबल। ऑप्शन नंबर डी का एडम सिंपलेट क्या है, तो टू कास्ट पियरली बिफोर ए स्वाइन, प्रशंसा लायक नहीं होना, प्रशंसा लायक नहीं होना। लायक नहीं होना तो क्या हो जाएगा, टू ऑफर समवन ए थिंग विच ही इज नॉट एप्रिशिएट। अब हम आपको वन वन सिचुएशन की ओर लेकर चलते हैं। क्या है, तो ए क्राइम ऑफ मैजिंग समबडी व्हेन यू आर स्टिल लीगली मैरिड टू समबडी इल्स, दूसरी शादी करने का अपराध जब पहले से ही एक पत्नी रहते हैं। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, तो बिगैमी मीन्स द्विविवाह अपराध। तो थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम, जय भार्गव परशुराम।